डिफरेंट एंड यूनिक आई वुड डेफिनेटली लाइक टू डिफाइन दिस थिंग बिकॉज म्यूजिक वीडियोज काफ़ी सारे आते हैं हर साल म्यूजिक वीडियोज आते हैं हम देखते हैं देर आर वेरी फास्ट कटिंग्स इन म्यूजिक वीडियो वेरी फास्ट लिरिक्स बहुत रैप होता है हाँ है ना बहुत सारी चीज़ें होती है अभी जो गाने का पैटर्न चल रहा है वो भी सेम टाइप का अभी पैटर्न चल रहा है बट ये जो ट्रेंड आया मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गाना है इट इज़ अ ट्रेंड सेटर विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गिव न्यू मटीरियल टू द पीपल जो एक सूदिंग गाना होता है कानों को जो होता है वो सुकून पहुंचाता है तो ये उस तरीके का गाना है जब आप विजुअल्स देखते हो गाने के तो इतने ब्यूटीफुल है

पापा प्लेस मेरी और पानीनी की कंपनी है और हमने रिकॉर्ड लेबल शुरू किया है और हमारा पहला सिंगल है कहूँ मैं या कहूँ ना द आर्टिस्ट और इसके अलावा काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में हूँ दो पिक्चरें मैंने बनाई हैं और बाकी डिजिटल सेल जो सैटेलाइट के साथ मैं बिजनेस करता हूँ ओके okay, इसके मूवी के बारे में बताइए इसके बारे में बताइए पापा प्लेस जो गाना है इसके बारे में बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस था पूरा स... पापा प्ले से जो गाना कंसीव हुआ था जब तो ये एक लव स्टोरी है बेसिकली एक आर्टिस्ट जब प्यार करता है तो उसके साथ कैसा होता है और क्या होता है ये गाना है सो so, इस गाने की जो जर्नी है नताशा सिंह जो हमारी आर्टिस्ट हैं उनके थ्रू हमने दिखाने की कोशिश की है सो इट्स अ वेरी यूथ सॉन्ग एंड अ वेरी फ्रेश सॉन्ग जो गाने को हमने शूट भी कर रहा है इसको हमने बॉम्बे में फिल्म सिटी में और ऑली उत्तराखंड में हमने इसको शूट किया है काफ़ी सारी दिक्कत ही थी इस गाने के साथ छूट करने में क्योंकि जो जगह हमने चुनी थी वो लास्ट मोटरेबल जगह से दो किलोमीटर आगे थी तो पूरे यूनिट को चल के दो किलोमीटर जाना पड़ा सारे इक्विपमेंट के साथ आर यूनिट वाज वेरी नाइस हिमांशु जो हमारे कोरियोग्राफर हैं उनका बहुत सपोर्ट था मुकेश मारू जो हमारे डी हैं उन्होंने काफ़ी बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ काम किया कि सारे इक्विपमेंट नहीं पहुँचने के बावजूद उन्होंने हमें बहुत फैंटास्टिक आउटपुट दिया इसके साथ जी इज अ जेम ऑफ अ पर्सन अगर आप उनकी बातें कम शब्दों में समझ जाएँ तो आप उनके साथ बहुत आसानी से काम कर सकते हैं वो डिटेल्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और उनको हर चीज़ की गहराई में जाने की इच्छा है तो हर चीज़ सोच के समझ के वो आगे कदम उठाते हैं ओके okay, इसके अलावा और क्या अपकमिंग में आने वाला है अभी हमारे सात गाने और हैं इस लेबल के साथ हमारा जो दूसरा गाना है वो हम अगले महीने रिलीज कर रहे हैं उसके साथ काम कर रहे हैं ओवर द पीरियड्स हम आपको अपने दूसरे गानों के बारे में बताना शुरू कर देंगे ये पहला लव सॉन्ग था इसके बाद हमारे थोड़े सोशल मैसेज वाले गाने और इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं सो देर आर वेरियस फ्लेवर्स वी आर टाइंग अप विद फ्यू इंटरनेशनल आर्टिस्ट टू कोलेबरेट विद आस एंड स्टार्ट अ न्यू काइंड ऑफ अ सॉन्ग न्यू काइंड ऑफ साउंड न्यू काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू दीज सॉन्ग्स ओके थैंक यू सर and we set up a digital entertainment platform called uh, papa plays, which launches day after tomorrow at 9 in the morning with my debut song and music video, titled kahumea kahuna, written and directed by myself. the song itself was created by my in-house team, of my music director, my lyricist, my singers. and we're starting our journey into the world of entertainment with papa plays. Mm -hmm. the teaser, i guess, it has already been released. Mm -hmm. the teaser. Uh, the teaser has been released. Um, I'm not very well versed with uh, the digital uh, platforms' yardsticks of what is a good response or not a good response, but I'm given to believe that we've got like a many, many thousand uh, views within 24 hours of our uh, promo launch. And uh, it is not a star vehicle in any, in any way, it, it has very good actors in it starring in the video. Uh, and it has garnered a lot of views for the first 24 hours being a promo for a music video not a movie mm -hmm. so i'm pretty positive and happy to hear that mm -hmm. so how did this idea uh, started you know you wanted to write it as well as directed how did this entire journey started for you uh, the journey of papa plays started from a from from a after i met with the people that i'm working with today they were the first creative professionals uh, that I came into contact with about roughly two and a half years ago starting with Rupesh varma Ajay K. Garg a great lyricist I call him my poet because he's he, he just touches my soul every time he submits any kind of work to me and uh, we were at Starbucks one morning and I wanted to go out for a minute to, to get some fresh air so I was talking to Rupesh ji and I said Rupesh ji we talent hai, itni creative energy bachi, bachi, uh, built up उसको अगर अपन एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो अपन अंदर रख के क्या करेंगे महीने में दो गाने महीने में तीन गाने किसी कोई आके भाड़े पे हमें दो रुपए दे के ग्यार बोला चलो फिल्म के लिए गाना लिखो और बैठे रहेंगे हम और ये सब हमने जो हार्डवर्क किया है हमारे अंदर जो सब क्रिएटिविटी है उसका क्या तो आई थिंक सर क्या करेंगे कुछ करते हैं ऐसे हम खुद का कंपनी करते हैं आ, मैं स्टार्ट करूँगा और आप भी मालिक रहेंगे और अजय जी भी मालिक रहेंगे एंड बी ओनर्स एंड लेट इज एक्सप्लोर आर क्रिएटिविटी बिकॉज म्यूजिक हैज द ग्रेटेस्ट पावर to touch people to move people to break barriers to communicate entertainingly new thoughts you know which i feel is the highest purpose of art is the reason why art uh, has a certain truthful power so we should explore that with music and two other verticals as we had certain subscriber bases mm -hmm. so this is how the idea started right outside starbucks one morning so the blood flows in your i mean your entire journey you know we Ji. have been watching Thank your you. your father Thanks. and now you are part of the industry, I, uh, yes, I'm I'm very happy you are saying that, <laughs> because I think day after tomorrow दूध का दूध पानी का पानी के पैच्छा इसने पैच्छा क्या बना दिया, अच्छा बनाया, नहीं बना, मुझे कुछ expectation दी है, जो सच्चा सामने आने वाला है, will be in the industry, as of day after tomorrow morning nine o'clock when my first work releases, so thank you for saying that, जी, your mm -hmm. question, mm -hmm. and sir, any any other things, anything in pipeline, you wanted to do something, क्या सिर्फ मतलब music related, you wanted to stick, ऐसे कुछ ज़हन में, जी हाँ जी वेल पापा प्लेज इज़ अ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म म्यूजिक इज अ कॉर वर्टकल वी विल बी एक्सप्लोरिंग टू अदर वर्टकस वीच विल बी डेडिकेटेड टेलीविजन शो स्टारिंग अ वेरी क्रेडिबल टेलीविजन एक्सपर्ट विद एक्सपीरियर ऑफ सेवेंटीन इयर्स एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग इज एपनिंग इन द टी वी वर्ल्ड ऑल द ग्रेट रियालिटी शोज ऑल द ग्रेट सिंगिंग शोज ऑल द ग्रेट वीकली डेली शोज एंटरटेनमेंट गोसिव थिंग्स लाइक दैट so that will be our uh, next vertical and there is uh, the third vertical which is a platform for all aspiring filmmakers who have great ideas have short films without budgets and but do not know what to do with it or perhaps they make the rounds of the market it might take a lot of time they might not get results because they don't know any better the pathways of the business itself so we will invite them to show their work after curating short films and we'll give them a platform to uh, showcase their work on Papa Plays uh, YouTube. Mm -hmm. in and touch your true nature, which is bliss. Uh, <clears throat> nothing really affects you like that, and that is your true state, and that is the state of bliss where there is no hatred, no anger, no negative emotion. So that was my deeper belief in my searchings for what is art and what is love. Mm -hmm. So therefore, it was like a no-brainer for me to explore. Start with a simple, basic, young song about love and what it feels like to be in love. What it feels like to be um Unable to express that love sometimes because that is always the first love of all our lives. Generally, it's not easy to express it to the person you're in love with. So I said, yeah. let's start with that, you know. And uh, I designed my video based on it. And uh, yeah, and I designed the characters. Uh, it's not a hero heroine kind of video, it is a character based video. It's a story based video. It's an exploration of art and the life of an artist and uh, vis a vis the life of a traveling warrior.

बहुत सारी प्लानिंग चल रही है बहुत सारे सॉन्ग्स हम कर रहे हैं और ये पहला सॉन्ग जिसका इनिशिएटिव हमने लिया है अभी जो लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने आएगा ना सर कहूँ मैं या कहूँ ना जिसको अनिता भट्ट गा रही हैं रोमांटिक बहुत सूदिंग सा गाना है तो होप फॉर द बेस्ट देखते हैं क्या किस तरह का कॉन्सेप्ट है ये कुछ अगर ब्रीफ में आप बता पाए कुछ तो कॉन्सेप्ट एक्चुअली एक सपने की तरह है गा जैसे ड्रीम सीक्वेंस आप बोल सकते हो कि एक, एक लड़की के कुछ सपने होते हैं कुछ वो सोचती है तो वो है एक सिंपल uh, सा गाना है ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग नहीं है बहुत ही लाइट म्यूज़िक है जिस तरह का लाइट म्यूजिक आजकल चल रहा है जो आप लोग सुन रहे हैं बहुत सारी फिल्मों में इस तरह के गाने आते हैं इस तरह का सिंपल सा लाइट म्यूजिक है उसको निभाने की कोशिश की है एक्चुअली मैंने तो जस्ट कंपोज़ किया है लेकिन इसके पीछे की जो पूरी कहानी है ये आपको पानी नीजिए बता पाएंगे वो मेन हीरो है इसके जिनकी ये जिनका ये कॉन्सेप्ट है एज अ कंपोजर जैसा मुझे उन्होंने ब्रीफ दिया था स्टोरी के बारे में वो मैंने आ, करने की कोशिश की है जब आएगा सबके सामने तो लोग खुद बताएंगे कैसा है उन्हें लग रहा है अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा इस गाने में तो, I mean, आपने दिया है इसके अलावा, of, या कुछ जो अपकमिंग है जी, पहले हो चुके हैं वो पहले इसके पहले मेरी फिल्म आई थी बेजुबान इश्क जिसका म्यूज़िक मैंने किया था जिसमें स्नेहा उल्लाल ने कम किया था काफ़ी सालों बाद आफ्टर लक्की तो वो फिल्म का म्यूज़िक मैंने किया था और उसके पहले मेरी एक फिल्म आई थी जय जवान जय किसान जिसमें नशुद्दीन साहब प्रेम चोपड़ा रति अग्निहोत्री और ओमपुरी साहब बड़े बड़े आर्टिस्ट थे ये दो फिल्म मेरी रिलीज़ हो चुकी है और उसके अलावा मैं ज़्यादातर एड एड में करता हूँ एड मेकिंग में रहता हूँ मैं ज़्यादातर और बैकग्राउंड म्यूज़िक इस तरह के जिंगल्स मैंने अभी मैं स्वच्छता अभियान के सारा प्रोजेक्ट का सॉन्ग्स मेरे पास ही है जो मोदी जी का स्वच्छता अभियान का प्रोजेक्ट चल रहा है इसके लिए भोपाल के लिए भी मैंने गाने बनाए काफ़ी सारे और बस ऐसा ही एड एड्स करता हूँ बैकग्राउंड म्यूज़िक करता हूँ जिस तरह म्यूज़िक म्यूज़िक के साथ मुझे जुड़ा रहना है और जो भी मुझे मिलता है अच्छा म्यूज़िक में करने के लिए तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको अच्छे से करूँ अपना बेच देने की कोशिश करता हूँ दैट्स इट और अपकमिंग मूवी में मेरी अभी फिल्म आ रही है जो समाज का जो मुद्दा अभी बहुत काफ़ी चला हुआ है आप लोग को पता ही है उसके ऊपर एक फिल्म बन रही है निर्भया जो सेंसर में फंसी हुई है जिसको अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है अभी तक सेंसर में फंसी है पिछले एक मंथ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट आ जाए उसका बट नहीं हो पाया उसका भी म्यूजिक मैंने किया है निर्भया नाम से फिल्म है जो आने वाली है बहुत जल्दी किन कारणों वजह से फंसी है कुछ जरूरी सोशल मीडिया यार मैं तो इतना जो सोशल चल रहा है अभी जो ये रेप हो रहे हैं ये हो रहे हैं हाँ, लेकिन कारण क्या है मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे कहा है कि प्रसून जोशी ने कहा है कि जो अभी समाज में जो जिस तरह के हालात अभी हैं इसको देखते हुए हम इसको अभी ग्रीन सिग्नल नहीं दे सकते इस फिल्म को तो यू हैव टू तो वेट क्योंकि अभी वापस ये दो का इंसिडेंट जो हुआ था अपना निर्भया जो हुआ था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्योंकि मैं न्यूज़ नहीं देखता हूँ इतना ज़्यादा उसके बाद होने के बाद ने नहीं 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 मैं बता रहा हूँ मतलब ये जो बारह में दो हजार बारह में जो हुआ था इंसिडेंट हुआ था ना दो हजार बारह में जो नाम क्या है उसका निर्भया जिसका वो वो तो तो, तो इंसिडेंट हाँ। को नाम, हाँ। दिया गया वो लड़की हाँ। के नाम निर्भया नहीं था हाँ हाँ जो इंसिडेंट का नाम निर्भया निर्भया दिया गया था ना तो उसके ऊपर एक फिल्म बनी अभी तक कोई फिल्म नहीं बनी थी एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी जो बीबीसी ने बनाया था जिसको बैन कर दिया गया था इंडिया में फिल्म तो कोई बनी ही नहीं किसी ने बनाया नहीं तो मेरे मेरे एक नए प्रोड्यूसर है अधिकारी जी अधिकारी बृदस्त वो लोग उन लोगों लो ने मिल करके बनाया है ये फिल्म को जिसका म्यूजिक मैंने किया है बट इसको अभी तक सेंसर नहीं मिला अब इतना डीप में तो मैं जानता नहीं क्या क्या हो रहा है उधर नहीं हो रहा मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बताया कि जो भी अभी सेंसर बोर्ड के चेयरमैन अपने प्रसून जोशी जी हैं उन्होंने बोला कि समाज की हालत अभी भी और बीच में फिर बिगड़ गए अभी हाल फिलहाल कुछ हुआ है शायद हाँ

कब तक रिलीज होने हो और किस के ये तो पानीनी हूँ बट इसका टीजर लॉन्च हो गया और सोशल मीडिया पे काफी जगह पे है और आज हम इसकी डबिंग कर रहे हैं और ये गाना होपफुली बहुत जल्दी ही तीन या चार तारीख तक आ जाएगी सबके सामने बहुत अच्छा बहुत वो तो कमाल के कमाल के आदमी है और मुझे काफी अच्छा लगा उनके साथ काम करके एक्चुअली हम लोग मिले थे एक फ़िल्म के सिलसिले में और उनकी एक फ़िल्म बनने वाली है अभी नाम नहीं बता सकता हूँ ऑन है तो उस फिल्म का म्यूज़िक मैंने कंप्लीट कर लिया है वो फिल्म बहुत जल्दी शूट फ्लोर पे आएगी शूटिंग नहीं हुआ इस दौरान फिर बात होते होते उन्होंने बोला कि एक प्रोडक्शन हाउस हम स्टैब्लिश कर, करना चाहते हैं पापा प्लेस के नाम से और आप इन हाउस कंपोजर हो इसके और मिल के हम कुछ कुछ गाने बनाएंगे और गाने बना के हम देखते हैं क्या हो सकता है जिस तरह से म्यूज़िक कंपनीज वर्क कर रही है अभी ये खुद का इन्होंने एक बेड़ा उठाया है और मैं सपोर्ट कर रहा हूँ एज ए कंपोजर मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूँगा मैं जुड़ा हुआ उनके साथ देखते हैं, so हैं। Thank you. Thank you. गाना पूरा या ना कहूँ ना जो सॉन्ग है ना एक्चुअली इट्स अ वेरी डिफरेंट सॉन्ग इतना खूबसूरत लिखा है इतना खूबसूरत बनाया है कि टू तो बी वेरी ऑलिस मुझे गा के बहुत रिलैक्स और यू नो एकदम मतलब मैं एकदम घुस गई हूँ गाना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए बना हुआ है ये गाना सो so, बहुत एक्चुअली दिल के करीब हो चुका है अभी से ही है मेरा गाना सो आई लव द सॉन्ग ओके कैसा एक्सपीरियंस था पानिनी जी के में में काम काम करने करने का का एंड बाकी सारी टीम का? पानी नी जी इज अ स्वीट हार्ट मतलब वो ऐसे है ना कि पूरा एकदम गाने में सिंगिंग में एक एक चीज मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक समझाने में पूरा इन्वॉल्व रहते हैं और ऐसे मैंने बहुत कम लोग देखे हैं बट पानिनी जी इज अ मतलब

अल्फाजी बहिना नब से मैं हूँ तेरी चाहू मगर कहूँ ये सब से कि मैं हूँ तेरी दिल में अकड़ बड़ी है जब से कि मैं हूँ तेरी थोड़ी हमें हाँ थोड़ी मचरी कैसे कह दो तुझे पे मर मिटी कहूं मैं या कहूं ना थैंक यू अनीता हर एक सिंगर का एक आइडल होता है हाँ जी हु डू एडमाइज द मोस्ट इन द इंडस्ट्री लता जी सबकी फेवरेट है मेरी भी है मैं उनको ही सुनती आई हूँ बचपन से बट आजकल के सिंगर्स में श्रेया घोषाल वन ऑफ माई फेवरेट एंड ऑब्वियसली अरिजीत सिंह एंड मेरा एक बहुत बड़ा लग भी रहा है कि मैंने अरिजीत सिंह के साथ कुछ थोड़े से पार्ट भी गाए हुए हैं सोनू की स्वीटी की uh, सोनू के टीटू की स्वीटी मूवी आई थी जिसमें मेरे दो कुछ गाने हैं उसमें मेरा वोकल्स हैं तो हम लकी कि मैंने कुछ एटलीस्ट पार्ट और कुछ अरिजीत के साथ गया बिकॉज ही इज़ माई फेवरेट सिंगर सो

इसके बाद के कुछ कुछ प्रोजेक्ट हैं जो राइट नाउ आई कैन नॉट डिस्लोज बट कुछ कुछ रिकॉर्ड किया है मैंने जो कि आई होप ये पापा प्लेज uh, मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा लकी चार्म बन के आया है इसके थ्रू और ये गाना अगर रिलीज होगा तो आई विश कि काफ़ी लोग मुझे सुने एंड वॉट आई एम मेरी सिंगिंग क्या है वॉट ओरिजिनली अनिता भट्ट सिंह उनको सुनाई दें एंड काफ़ी लोग मुझे बुलाएं गाने के लिए सो जस्ट फिंगर आपकी आवाज़ काफ़ी मधुर है तो जैसे कि तो जैसे और कुछ गाना गा सके आह वही ना अच्छा एनी सॉन्ग या जो गाना ऑलरेडी uh, सोनू की सिटी uh, की उसमें था वो वो गाने की जो मेन लाइन uh, है वही मैं गाती हूँ जिसमें मैंने गाया सजना दिरंग रंगाईया वे शगना दिया शहनाईया वे टोल बजन गे यार नचण गे लख लख दो बधाई आवे सजना दे रंग सगाई आवे सजना दिया शहनाई आवे टोल बजन गे यार नचण गे लख लख दो बधाई आवे और उसके बाद इसे पूरा एक तब्दील हुआ एक गाने में बतौर ये तो गाना गाना नहीं है वैसे अगर मैं देखूं तो ये कहानी है तो मुझे पाणिनी जी ने एक कहानी कही कहने को कहा इसके ज़रिए गाने के ज़रिए एक बड़ा काम था जो मुझे अंजाम देना था और पाननी ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत जुनूनी हैं अपने काम को लेकर और उन्हें पता है कि वो क्या करना चाहते हैं क्या आ, क्या करवाना है अपने कलाकारों से उन्हें तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी ये गाना और मैं खुश हूँ कि बहुत अच्छे से बनकर आया है और बाकी सब लोग भी बहुत संतुष्ट हैं बहुत खुश हैं कि गाना इतना मधुर और इतना प्रभावी बन पाया है और एक्सपीरियंस कैसा रहा इनके साथ काम करने का? आ, पाननी जी आ, पाननी जी के साथ मेरा जो पहली मुलाकात मेरी पाननी जी से हुई थी वो करीब डेढ़ साल पहले की बात है तो आ, इतने दोस्ताना हैं पाननी जी की आ, पहली मुलाकात में हम दोनों के बीच में एक अलग तरह का दोस्ती का संबंध बन गया और उनकी ख़ास बात यह है कि वो आपके अंदर जो बेहतरीन है उसको बाहर ले आते हैं लेकिन वो इतने सहज हैं कि आपको लगता ही नहीं कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं वो दोस्ती की तरह एक माहौल होता है और कोई भी चीज़ अच्छी होती है तो वो खुले दिल से उसकी प्रशंसा करते हैं तो पानी जी के साथ मेरा जो अनुभव है मैं कहूँगा कि बहुत ही खुशगवार है और आगे भी ऐसा चलता रहेगा Okay. थोड़ा आपके बारे में हाई मेरा नाम है हिमांशु कुमार एंड इस गाने में जो है मैं एज ए कोरियोग्राफ़र मैंने काम किया है और इसके पहले जो है लाइक like इंडस्ट्री में थर्टीन इयर्स से काम कर रहा हूँ मोर देन सेवन हंड्रेड सॉन्ग्स मैंने शूट किए हैं और जब मुझे पता चला कि कोई हाँ एक म्यूज़िक वीडियो है मैं बानी जी से मिला और जब पता चला कि वही एक गाना है ऐसे शूट करना है और वैसे पहले काफ़ी डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ Uh, काफ़ी नामचीन डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ और uh, जब पानी जी के साथ काम करने का जब मौका मिला तो दैट इज़ मैं सीरियसली बता दूं इट इज़ नॉट इजी टू वर्क विथ पानी जी बिकॉज टू अंडरस्टैंड हिज टेम्परामेंट एंड हीज क्रिएटिविटी यू हैव टू लाइक कनेक्ट विथ हिम एंड वर्क विथ हिम एंड येस हमारे जो प्रोड्यूसर है इंदिवर जी Uh, he's also done a very superb job all the time supporting us on the shoot before shoot and after the shoot this was the whole my experience with kahuna